नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएसएससी नोट्स में। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। तो आज हमने आपके लिए कुछ ऐसे ही चुने हुए प्रश्नों को तैयार किया है, तो बने रहे हमारे साथ। उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है कि एड्रिनल ग्रंथि किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है जनन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें जो एड्रिनल ग्रंथि है ये जनन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र दोनों से संबंधित होती है। अगला है जो है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पाचन के रसों में ये जो अम्ल होता है पाया जाता है। नेक्स्ट ये है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या उदर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मस्तिष्क में क्या होता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट ये है कि वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है ए बी सी सिक एसिड या एथिलीन, ऑक्सीजन या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें जो है ए बी सी सिक एसिड और जो होता है एथिलीन, दोनों इसमें जो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन्स के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है कि पादप में स्रावित ऑक्सीजन ऑक्सीन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है शीर्ष प्रमुखता, और तो जो ऑप्शन बी है पत्ती के विलगन को रोकना, या फिर अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जो होता है पादप में स्रावित ऑक्सिन हार्मोन्स का कार्य होता है, शीर्ष में प्रमुखता का भी इसका प्रमुख कार्य होता है, पत्ती के विलगन को भी रोकता है और अनिषेक फल प्राप्त करने में भी सहायक होता है। तो अब जो बात ये आती है कि अनिषेक फल क्या होता है, तो अनिषेक फल वो होता है जो बिना निषेचन के अंडाशय के फलों में बदलने की क्रिया अनिषेक फल कहलाती है। तो ये भी जो होता है पादप में स्रावित ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। नेक्स्ट है कि पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन जो है ये पौधों में फूल बनाने का कार्य करता है और इसका जो है सहायक हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट है कि त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है। आपके ऑप्शन है एंजाइमस, हार्मोन्स, एपिडर्मिस या मेलानिन। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? मेलानिन जो होता है ये त्वचा का रंग निर्धारण करने की एक क्या होता है क्रिया होती है। ठीक, अगला जो है शरीर पर हार्मोन्स का प्रभाव किस प्रकार से होता है। आपके ऑप्शन है अंगों में उत्तेजना, उत्प्रेरक प्रकार, यथार्थ वृद्धि या विभिन्न अंगों के प्रकार का समन्वय। तो सही उत्तर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेरक प्रकार। शरीर में हार्मोन्स का प्रभाव क्या होता है? उत्प्रेरक प्रकार के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन्स स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन है लंबाई में अधिक वृद्धि, शरीर का संतुलन, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का असंतुलन। नेक्स्ट है कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग होती हैं। आपके ऑप्शन है मछली के विद्युत अंग के समान, मछली का वंश, अस्तनियों की वसा ग्रंथियां या कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कशेरुकी प्राणियों की जो लार ग्रंथि होती है सर्पों की विष ग्रंथियां इसके समांग होती हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि हार्मोन्स निर्माण से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पाचक ग्रंथि, संवेग ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये जो होती है ग्रंथि हार्मोन्स निर्माण से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विकास तथा उपचयी दर को नियंत्रित करता है। तो आपके ऑप्शन है थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय या अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड जो होता है विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है नर जनन तंत्र का भाग कौन सा है। आपके ऑप्शन है प्रोटेस्ट ग्रंथि, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या अंडावाहिनी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है नर जनन तंत्र का भाग होता है।
नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन्स कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीटोशिन, वेसोप्रेशिन या प्रोलैक्टिन, या इनमें से सभी जो भी हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मादा जनन तंत्र में आपके ऑक्सीटोशिन, वेसोप्रेशिन, प्रोलैक्टिन सभी पाए जाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो आपके ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, आउटो ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या यकृत। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आउटो ग्रंथि जो होता है ये कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।